तो मोदी मंत्रिमंडल में यूपी से बतौर ब्राह्मण चेहरे के रूप में राज्यसभा सांसद शिवप्रताप शुक्ला शामिल होंगे। शपथ लेने से पहले शिवप्रताप शुक्ला से समाचार प्रेस ने खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद और मोदी सरकार में मंत्री बनने जा रहे शिवप्रताप शुक्ला जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं। शुक्ला जी, जब राज्यसभा में आपको लाया गया था उस समय जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उस समय भी ये था कि आपको केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, अब केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी के लिए पीएम ने आपको चुना है, तो पहली प्रतिक्रिया क्या? मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी जिम्मेदारी देने की बात सोची होगी मैं अपने को उस पर सिद्ध करने का प्रयत्न करूंगा। कितना महत्वपूर्ण योगदान आपके मंत्रालय के जरिए जो भी मंत्रालय आपको दिया जाएगा वो उत्तर प्रदेश में ताकि पार्टी 80 में से 80 सीटें जीत सके? छोटा काम भी चुनौती का होता है और छोटे काम को भी चुनौती का ही मान करके काम करना चाहिए और उसी का परिणाम है कि आज इस देश को एक नया भारत बनाने के संकल्प को लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम करना शुरू किया है। उन्होंने हम लोगों के लिए भी कहा है कि संकल्प से ही सिद्धि होती है, तो जो भी विषय आएगा उसको संकल्प के रूप में लेकर के उसको सिद्ध करने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में कई विभागों को आपने संभाला, यहाँ कुछ पसंद आपको लगता है कि ये विभाग मिले तो ज्यादा बेहतर काम कर पाऊंगा, कुछ इस तरह से चर्चा या कुछ आपकी अपनी पसंद? नहीं, मैंने कभी विभाग वहां भी नहीं मांगा था, जो दिया गया उसको भी चुनौती के रूप में ही काम शुरू करने का काम किया और किया, आगे भी जो रहेगा उसको चुनौती मान करके हम चलेंगे, जो भी दायित्व तो देंगे उस दायित्व तो पर उनके विश्वास के अनुसार काम करेंगे। समाचार प्लस के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आप। धन्यवाद। तो शिवप्रताप शुक्ला जी साफ साफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया, इसके लिए धन्यवाद, और हर काम चुनौतीपूर्ण है, जो भी जिम्मेदारी वो देंगे उस पर खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन विनोद के साथ संतोष पाठक, समाचार प्लस के लिए।